ताजनगरी आगरा में 14 अप्रैल 2024 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इसी को लेकर महिला उत्थान समिति की अध्यक्ष लता कुमारी और अन्य सदस्यों ने केक काटकर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर हम आगे बढ़ेंगे और उन्होंने आगे कहा कि हर समाज बाबा साहब का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाता है, जिसकी वजह से आज दलित और पिछड़ा वर्ग का विकास हुआ है और बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया है। उन्होंने बताया कि उनकी समिति का उद्देश्य है समाज के लिए बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर समाज में अच्छे से अच्छा कार्य करें। साथ ही महिला उत्थान मिशन समिति की अध्यक्ष लता कुमारी ने अम्बेडकर जयंती की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सुधा रानी महिला उत्थान समिति पूसा अध्यक्ष हूँ और फ्यूचर के प्ले स्कूल की फाउंडर हूँ। आज क्या कार्यक्रम रखा गया आपकी संस्था में? बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मदिन का समारोह था, जिसमें हम लोगों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया और हमारी यही इच्छा है कि जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो उन्होंने हमें बताया, सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने हमें संविधान दिया, उस संविधान के बेसिस पर आज हम एजुकेटेड हैं और आज यहाँ थोड़ा खड़े होकर के आपसे बात कर पा रहे हैं और इतनी एजुकेशन ले पा रहे हैं और एजुकेशन दूसरे समाज को दे भी पा रहे हैं। तो उनके चलाई हुई रास्तों पर हम आगे भी चलते रहेंगे और हमेशा उन्होंने जो हमारे लिए किया उसके हम हमेशा ऋणी रहेंगे और कभी हम इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। आज पूरा विश्व उनका जन्मदिन मनाता है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ दी है जो कभी सदियों तक वो हमारे साथ रहेगी, वो दिया है संविधान। उसी के अनुसार आज सब लोग चल रहे हैं। और दूसरा, स्त्रियों को समानता का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, वो उन्हीं की देन है। आज उसी देन की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ। मैं हमेशा उनके बनाए हुए रास्तों पर, उनके बनाई हुई चीज़ों पर हमेशा चलती रहूँगी, मेरे लिए आशा है। और आगे जब भी कभी एजुकेशन फैलाने की बात होगी अपने समाज में और दूसरे समाज में भी एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसकी शुरुआत हमने कर दी है, हमारे प्ले स्कूल्स हैं, इस समय आगरा शहर में 6 प्ले स्कूल्स की चयन हुई। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है आपकी संस्था की तरफ से? आज हमारी संस्था महिला उत्थान मिशन समिति की तरफ से बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारी समिति ने केक काट के जन्मदिन मनाया और सभी को बाबा साहब से प्रेरणा लेके और जो उन्होंने शिक्षा का लक्ष्य जगाया था, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया था, दलित या पिछड़े वर्ग को उन्होंने जो अधिकार दिए थे, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं बाबा साहब का जो रोशनी है पूरे विश्व में फैली हुई है और हमारे समाज में और आगरा के अंदर भी, जो हम लोग छोटे थे जब इतना नहीं था, आज की डेट में हर समाज उनके जन्मदिन को मनाता है, बढ़ चढ़ के भाग लेता है। बाबा साहब वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी देके समाज के लिए काम किया और जो समाज जो के लिए काम करता है, जो सब समाज के लिए काम करता है, उनको एक ना एक दिन सबको मानना पड़ता है। आज उसी वजह से आज पूरा विश्व उन्हें बाबा साहब की जयंती मना रहा है और हमारा भी यही है उद्देश्य है कि हम बाबा साहब की जो भी थे आदर्श थे, उनकी प्रेरणा थी, उनसे संस्कार लेके हम लोग भी आगे बढ़े और समाज में और अच्छा से अच्छा काम करें, यही हमारी समिति का उद्देश्य है। बाबा साहब के कारबा को आगे बढ़ाए। जय भीम, नवोबुद्धाय, जय भारत, जय सत्य। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।